हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल पोएम के बारे में, द लेवर्नम टॉप, जिसके राइटर हैं टेड ह्यूग्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवर्नम? लेवर्नम है क्या? तो लेवर्नम एक ट्री का नाम है जिसकी येलो लीफ है और पॉइजनस सीड्स है। शॉर्ट हाइटेड ट्री है और पॉइजनस सीड दैट मीन्स जहरीला सीड्स। ओके, इस पोयम में हम लोग जानने वाले हैं एक ट्री और एक बर्ड के रिलेशनशिप के बारे में। फर्स्ट स्टैंजा है, द लेवर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेवर्नम का टॉप है, सबसे हाई टॉप, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, क्वाइट है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉल इन। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, सितंबर का महीना है, दोपहर का टाइम है, सनलाइट भी है और लीव्स जो है वो येलो कलर की हो चुकी है और सीड्स जो है वो झड़ चुकी है। इससे पता चलता है ये ऑटमन का सीज़न है, ऑटमन का टाइम है, ऑटमन सीज़न, सारे पत्ते धीरे धीरे करके झड़ रहे हैं। ठीक है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच इट। तभी वहाँ से एक गोल्डफिंच बर्ड आती है और ब्रांच के एक इन पर बैठ के चहचहाट शुरू कर देती है, हलचल शुरू कर देती है। ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप का मतलब होता है चहचहाना, जर्की चहचहाट, और स्टार्टलमेंट का मतलब होता है अचानक। Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she entered the thickness. फिर वो बर्ड छिपकली की तरह फिसल कर, अलर्ट होकर, फुर्ती से उस ट्री के अंदर इंटर कर जाती है, बिल्कुल जैसे कि एक छिपकली डेंजर से बचने के लिए अलर्ट रहती है और फास्ट मूव करती है उसी तरह। And a machine starts up of chattering and a tremor of wings and trailing. जैसे ही बर्ड पेड़ के अंदर घुसती है, उसके यंग वंस जो उसके बच्चे थे, अपनी चहचहाट और पंखों की फड़फड़ाहट से एक आवाज़ पैदा करती है जिसे पोएट ने मशीन के साथ कंपेयर किया है और उसकी वो आवाज़ से मशीन चल पड़ी। मतलब अभी तक जो बर्ड्स के यंग वंस थे वो शांत थे, एकदम साइलेंट थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने मदर को देखा, वो बिल्कुल एक मशीन की तरह स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पंख फड़फड़ाने लगते हैं और अपनी मदर को देखकर शोर मचाने लगते हैं अपनी चहचहाट से। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रेल्स, सारा पेड़ कांपने लगता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो बर्ड है वो अपने फैमिली के लिए इंजन की तरह है, जैसे कि एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए, उसे वर्क करने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही उस यंग वंस को जिसको पोएट ने मशीन बनाया, उन्हें भी अपनी इंजन यानी अपनी मदर की ज़रूरत होती है। सी स्टॉक्स इट फुल Then flirt out to a branch end. वो उसे पूरी तरह आवाज़ से भर देती है, फिर झटके के साथ ब्रांच से बाहर आ जाती है। Showing her bread face identity mask. जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी यंग वंस को अपना आइडेंटिटी मास्क, धारीदार मुखौटा दिखाती है जो उसकी पहचान है, मतलब वो अपने फेस को दिखाती है जिस पर कुछ ब्लैक निशान रहता है, ताकि उसके बच्चे उसे देखकर पहचान सकें, समझ सकें, ताकि वो किसी और बर्ड को अपनी मदर समझकर शोर ना मचाए, मचाने लग जाए, वो अपनी बस मम्मी को ही देख के आवाज़ निकाले। देन विथ इराई डेलिकेट विस्टिल चेयरअप्स वी स्प्रिंग्स सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट। फिर वो एक स्ट्रेंथ, सॉफ्ट और एक सीटी वाली चहचहाट से और फुसफुसाहट के साथ दूर इन्फिनाइट स्काई, आकाश की ओर उड़ान भर लेती है।
एंड द लेवर्नम सबसाइड टू इम्पेटी, और जो लेवर्नम ट्री है वो फिर से शांत और सुनसान हो जाता है, जैसे कि गोल्ड फिंस बर्ड के आने से पहले था। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी पोयम द लेवर्नम टॉप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके।